पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान जो हमारे विधायक साथी पूर्व विधायक सदन के सदस्य रहे मध्य प्रदेश में भी, ऐसे दिवंगतों को आज प्रथम दिवस में उनको श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे साथी देवव्रत सिंह जी साथ में काम करते रहे और होनहार रहे। अल्प समय में चले जाना निश्चित रूप से हम सबके लिए दुख का विषय है। गोदीन अनुरागी जी, मूलचंद खंडेलवाल जी और युद्धवीर सिंह जी तो बहुत ही 39 साल की उम्र में चले गए। इसी प्रकार से हमारे बस्तर के कसलूर के हमारे विधायक रहे और हमारे जो डिफेंस के प्रमुख बिपिन रावत जी, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 साथियों के साथ चले गए, उन सबको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और भगवान से प्रार्थना किए कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। सत्र आज से विधिवत शुरुआत हो गई है, कल से आप लोगों की रणनीति क्या होगी, किस तरह से किन मुद्दों को लेकर के सरकार को कहना चाहिए? देखिए, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान में बहुत सारे विषय आए हैं, जिसमें धर्मांतरण से लेकर के कवर्धा में जिस प्रकार से निरपराध लोगों को खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसी प्रकार से धान खरीदी में जिस प्रकार से अभी जो मामले आ रहे हैं किसानों को लेकर के, जो परेशान है किसान, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति और ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिसमें स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाए गए हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा में जनहित के विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। इस तरह से रूप दिखेगा विपक्ष का, कितना आक्रामक? विपक्ष का आक्रामक रूप आप सब लोगों ने देखा है कि 3 साल में सरकार विफल हो गई है, इनकी विफलता सामने में है और जनहित के सारे मुद्दे इस विधानसभा के माध्यम से उठाए जाते हैं। आज के प्रश्न में जो आया है कि 3 वर्षों में सरकार के द्वारा 51,000 करोड़ रुपए की कर्जा ली गई है, जिसमें मुख्य रूप से 15,000 करोड़ रुपए 3 वर्ष में ब्याज की पटाए हैं और 8,000 करोड़ रुपए कुल मूल चुका चुके हैं। सरकार बड़ी वाहवाही लूट रही थी कि हम बिजली बिल हाफ कर दिए हैं, 800 करोड़ रुपए आपने हाफ किया और जनता से 1,000 करोड़ रुपए आपने वसूल लिया कि आपकी अब कथनी अब करनी, ये सारे चीज़ें हैं। विधानसभा कल से विधिवत रूप से चलेगी और बहुत सारे जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे।